असलम आज हम बनाएंगे होल वीट ब्रेड उसके लिए वन ग्लास वाटर लेना है नीम गर्म पानी के अंदर हमने वन टी स्पून ब्राउन शुगर ऐड करनी है अच्छे से मिक्स करना है उसके बाद हम लोग एक बाउल में व्हीट फ्लोर लेंगे चक्की का आटा टोटल हमने डेढ़ कप यूज़ करना है अभी हमने वन कप ऐड किया है वन टी स्पून ब्राउन शुगर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट अब हम ऐड करेंगे वन एग टू टेबल स्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे अच्छे से मिक्स करें अब हमने जो वाटर पहले मिक्स किया है वो ऐड करना है उसी से डो बनानी है प्लेन वाटर नहीं यूज़ करना आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है उसके बाद हम यीस्ट यूज़ करेंगे इंस्टेंट यीस्ट का एक साशे यूज़ किया है मैंने अगर आपके पास दूसरी यीस्ट है बड़ा पैकेट है तो आप टू टेबल स्पून ऐड करेंगे अदरवाइज़ ये पूरा साशे ऐड कर दें इसके अंदर अच्छे से हम लोग फ्लोर ग्रेजुअली ऐड करेंगे और वाटर ऐड करेंगे सॉफ़्ट डो बनानी है अब हम हाथ की मदद से करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लें हाथ की मदद से डो बहुत अच्छी बनती है आटा ग्रेजुअली ऐड करें अब हमने पूरा आटा यूज़ कर लिया है डेढ़ कप आटा यूज़ किया है हमने इसके अंदर जितना हमारी रेसिपी में था वाटर इसके अंदर ब्राउन शुगर वाटर ही ऐड करें नीम गर्म होना चाहिए बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो ये डो तैयार हो गई है हमारी अब हम इसको एक एयर टाइट बाउल के अंदर थर्टी मिनट्स के लिए किसी वार्म प्लेस पे रखेंगे थर्टी मिनट्स गुजर गए हैं आप देखें डो का साइज़ डबल हो गया है ये देखें बहुत अच्छी डो बनी है अब हम इसको ब्रेड की शेप देने के लिए है ऐड करेंगे अच्छी तरह से नीट कर लें डो को नीट करने के बाद आप क्या करेंगे इसको बेलेंगे बेल के आप अपनी ब्रेड को अपने पैन के हिसाब से जिसमें आपने बेक करना है उसके अकॉर्डिंग इसको शेप दे लें इसको चारों साइड से अच्छे से फोल्ड करें ब्रेड की शेप देने के लिए मैं कह रही हूँ आप अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ और विथ को सेट करें मैं भी अपने पैन के लेंथ और विथ के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रही हूँ ऑयल ब्रश कर लें अपने पैन में वन से वन पॉइंट फाइव टी स्पून ऑयल ब्रश कर लें अच्छे से चारों साइड पे ऑयल ब्रश करें उसके बाद हम अपनी डो को थर्टी मिनट्स इस पैन में रखेंगे बाहर ही ताकि इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए थर्टी मिनट्स के बाद जब इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा उसके बाद हम एक बाउल में दूध लेंगे उसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे वन टी स्पून उसके बाद हम अपनी डो के ऊपर ब्रश करेंगे और इसको प्री हीट ओवन में वन एटी डिग्री के ऊपर ट्वेंटी मिनट्स बेक करेंगे ये हमारी ब्रेड बेक हो गई है आप वॉक इंसर्ट करके देख सकते हैं अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो इसका मतलब हमारी ब्रेड बेक हो गई है ये देखें बहुत ही सॉफ्ट है आप इसे नाश्ते में यूज़ करें जैम के साथ यूज़ करें थैंक यू